बारामूला पुलिस ने उत्तरी कश्मीर के विभिन्न विकलांग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर वितरित की। यह कार्यक्रम जिला पुलिस लाइन सोपोर में आयोजित किया गया था। इस बीच कुलगाम पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 7 किलोग्राम पोस्ता एक्स्ट्रा जैसा पदार्थ बरामद किया, जिसकी पहचान शौकत अहमद सदा पुत्र अब्दुल गनी सदा निवासी अस्थल के रूप में हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस सीएटी के तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट रेंजेस और बाकी जो मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स हैं उनसे मांगती है, जिसका मेन मकसद जो है वो पब्लिक आउटरीच और एट द सेम टाइम अगर हम किसी व्यक्ति की किसी समय में किसी प्रकार की कोई मदद भी कर सकते हैं उसको लेके धीरे धीरे ये पूरी स्कीम इवॉल्व हुई है और जहां जहां माशरे में हमें गैप मिला उस गैप को फिल करने की कोशिश की है। उसके तहत एक प्रोजेक्ट रेड हेडक्वार्टर की तरफ से सबमिट किया गया था, जिसमें हम स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए एक असिस्टिव चेयर जो है जिससे वो अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सके मुहैया कराने के बारे में सोचा गया था। हमने एक क्राइटेरिया डिवाइस किया था अपने एसएसपी साहिबान का जो है उनके साथ बैठ के, और उस क्राइटेरिया को डिवाइस करके वक्ती तौर पर अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है उसको मुहैया कराने की कोशिश की। हर डिस्ट्रिक्ट ने अपनी तरफ से 5-5 व्यक्ति ऐसे चुने जिनको इस चीज की जरूरत थी और जिनको पहले इस किस्म का बेनिफिट नहीं मिला था। आज इस मौके पे हम जो हमारी जोनल हेडक्वार्टर की और पुलिस हेडक्वार्टर की इंस्ट्रक्शन है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये आज का पूरा प्रोग्राम जो है उसका एहतमाम जो है इस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए किया है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि अपनी मसरूफियतों के बावजूद और कल तो बारिश भी काफी पड़ी है ठंड भी थोड़ा खुश है जुनेद साहब अभी अपना थोड़ा पास से पुलिस हेडक्वार्टर जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट वक्तन फवक्तन मांगता रहता है अंडर सीए की, जिसका मेन मकसद ये होता है कि पुलिस की पब्लिक आउटरीच बढ़े और एक हम कहीं कोई किसी किस्म का गैप हो तो उसको भी फिल करने की अपनी कोशिश कर सकें। इट इज एग्जीक्यूशन ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। तो उसी के तहत हमने एक प्रोजेक्ट सबमिट किया था जिसमें हमने 25 व्हील चेयर्स का प्रोजेक्ट था कि जिनके पास या जिनको इस चीज़ की अभी जरूरत हो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट को 5-5 लोगों को टारगेट दिया गया था, ऐसे लोग जिनके पास या तो ये फैसिलिटी अवेलेबल ना हो या उनको कभी किसी पहले इस किस्म का बेनिफिट ना मिला हो किसी जगह से, उसके तहत ये ऑर्गेनाइज किया गया है। दूर दराज के इलाकों से हर डिस्ट्रिक्ट ने 5-5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई करके भेजे हैं। मुझे
खुशी है कि ये सब लोग आए हैं और ये हमारे कोशिश हैं। और अगर हम पूरे नॉर्थ कश्मीर की पुलिस के हवाले से बात करें, क्योंकि बार बार ऐसे प्रोग्राम्स देखने को मिल रहा है, क्या आने वाले दिनों में कोई और ऐसा प्रोग्राम हो जिस तरह से? हर डिस्ट्रिक्ट एसपी ने अपनी तरफ से, यहाँ 5 जिले हैं और हर डिस्ट्रिक्ट एसपी ने अपनी तरफ से प्रोग्राम भेजा हुआ है, जिसके तहत पब्लिक आउटरीच की जाती है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वेलफेयर का आस्पेक्ट टच किया जाता है। वो प्रोग्राम जो है वो पीएचसी की कमेटी जो है उसको अप्रूव करती है और आप हमारा हर प्रोग्राम ऐसा पाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की मदद भी कर सकते हैं। सर, आज जो यहाँ पे ट्राई साइकिल आपने फराम की, क्या आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं कि जो स्कूटीज भी दी जाती है ऐसा कुछ प्रोग्राम? देखिए, कुछ चीजों के लिए गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स हैं और वो अपनी जगह चलती रहती है। हम देखेंगे कि जिसकी जरूरत है और जहां हमें लगता है कि, हालांकि हर चीज जो है, हर प्रोजेक्ट अपने टाइम पे अपनी जगह पे पहुंचता है, लेकिन हमें लगता है कि जहां हम थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते हैं, विल सरप्राइज यू पॉजिटिवली विद आवर स्कीम्स एंड प्रोजेक्ट्स।